सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा के शहर मार्कहम में नमाजी पर हमला करने वाला शख्स गिरफ्तार। पुलिस का कहना था कि मुलजिम पर 3 मुख्तलिफ इल्जामात आयद किए गए हैं। अमेरिका में न्यू जर्सी की मस्जिद में नामालूम शख्स का फजर की नमाज के दौरान इमाम पर चाकू से हमला। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में रवां हफ्ते रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने का इम्कान। माहरीन ने मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई कर दी। 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक गर्मी के रिकॉर्ड टूट सकते हैं। बैंक ऑफ कनाडा की जानिब से इस हफ्ते कुलीदी शरह सूद को बरकरार रखे जाने का इम्कान। माहरीन का कहना है कि शरह सूद 4.5% पर बरकरार रह सकती है। रवां साल तरक्की और मुलाजमतों की तादाद तवक्को से ज़्यादा मजबूत हो रही है। चीन का आबनाए ताइवान में पीर तक बहरी मशकें जारी रखने का ऐलान। चीन की ताइवान के इर्द गिर्द मशकें तीसरे रोज भी जारी। अमरीकी बहरिया का गाइडेड मिसाइल से लैस जहाज जनूबी बहीरे चीन में दाखिल हो गया। यूक्रेन में रूस का फिजाई हमला, 2 शहरी हलाक। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का मुसलमान यूक्रेनी फौजियों के लिए इफ्तार का खसूसी अहतमाम। यूक्रेनी सदर का कहना था कि यूक्रेन में रमजान के महीने का हर जगह एहतराम किया जाता है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Shawarma, now serving from 4 locations. कनाडा के शहर मार्कहम में एक नमाजी पर हमला करने वाले शख्स पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुख्तलिफ इस्लामी तंजीमों की जानिब से वाकये की मुज़म्मत की जा रही है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर मार्कहम में एक नमाजी पर हमला करने वाले शख्स पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुख्तलिफ इस्लामी तंजीमों की जानिब से वाकये की मुज़म्मत की जा रही है। यॉर्क रीजनल पुलिस ने कहा है कि जुमेरात को सुबह ओंटारियो में एक नमाजी को मुबैना तौर पर कार से कुचलने की कोशिश करने, धमकियां देने और मजहब की बुनियाद पर बुरा भला कहने वाले शख्स को गिरफ्तार करके फर्द जुर्म आयद कर दी गई। पुलिस ने एक बयान में कहा कि मार्कहम शहर में पेश आने वाले इस वाकये के बाद 28 साल मुलजिम श्रीन क्रोनाक्रन को टोरंटो से गिरफ्तार किया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम पर नफरत पर मबनी वाकये में गिरफ्तार करके फर्द जुर्म आयद की गई। यॉर्क रीजनल पुलिस ने कहा कि तफ्तीशकारों ने टोरंटो के एक 28 साल शख्स पर
मुशतबा नफरत अंगेज वाकये के बाद कई मुजरमाना जराइम का इल्ज़ाम आयद किया। इस्लामिक सोसाइटी ऑफ मार्कहम ने कहा कि जुमेरात को टोरंटो से 30 किलोमीटर दूर शुमाल में वाकया शहर मार्कहम की मस्जिद में एक शख्स दाखिल हुआ और बज़ाहिर उसने कुरान मजीद की बेहरमती की और नमाजियों के बारे में नाजेबा जबान इस्तेमाल की। ताहम इतवार को जारी होने वाले पुलिस के बयान में कुरान पाक की बेहरमती का जिक्र नहीं किया गया। नेशनल काउंसिल ऑफ कैनेडियन मुस्लिम्स ने एक ट्वीट में कहा, हमें मार्कहम मस्जिद में एक वाज़ह पुरतशद्दुद नफरत अंगेज जुर्म के बारे में जानकर बहुत तकलीफ हुई, जहां एक शख्स ने गाली गलौज की, कुरान की बेहरमती की और नमाजियों को कार से कुचलने की कोशिश की। पार्लियामेंट की मुकामी रुकन और कनाडा की वजीरे तिजारत ने वाकये पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि इस तशद्दुद और इस्लामोफोबिया की हमारी कम्युनिटीज में कोई जगह नहीं है। ये वाकया रमजान के मुकद्दस महीने के दौरान पेश आया, जब मुसलमान बड़ी तादाद में मस्जिद का रुख करते हैं। वाकये के वक्त मार्कहम की मस्जिद में हजारों लोग मौजूद थे। पुलिस ने मजीद कहा कि मुशतबा शख्स पर धमकियां देने, हथियार से हमला करने और खतरनाक ड्राइविंग के इल्जामात आयद किए हैं। मुलजिम की अगली पेशी मंगल 11 अप्रैल को न्यू मार्केट में ऑन्टेरियो सुपीरियर कोर्ट ऑफ जस्टिस में होगी। इस्लामोफोबिया पर मबनी एक और वाकया अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में पेश आया, जहाँ मस्जिद में फजर की नमाज के दौरान इमाम पर नामालूम शख्स ने चाकू से हमला कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चाकू के हमले के नतीजे में इमाम मस्जिद जख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि चाकू हमले के वक्त मस्जिद में 200 के करीब नमाजी मौजूद थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमाम मस्जिद की हालत अब खतरे से बाहर है, जबकि पुलिस ने हमला आवर को गिरफ्तार कर लिया है, अलबत्त उसकी शनाख्त जाहिर नहीं की गयी। माहरीन की जानिब से जनूबी ऑन्टेरियो में इस हफ्ते रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने का इम्कान जाहिर किया गया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। माहरीन की जानिब से जनूबी ऑन्टेरियो में इस हफ्ते रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने का इम्कान जाहिर किया गया है। एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज कनाडा के मुताबिक जनूबी ऑन्टेरियो के इलाके बशमूल विंडसर, लंदन, टोरंटो, किचनर और मजीद बुध, जुमेरात और जुमे को जुनूब मगरबी बहाव का तजुर्बा करेंगे, जिससे दर्जा हरारत 27 सेंटीग्रेड तक बढ़ने की तवक्को है। बुध के रोज टोरंटो के आसपास के चंद इलाकों में बारिश के कम इम्कान के साथ हफ्ते के बेशतर हिस्से में सूबे के बेशतर इलाकों में साफ आसमान और सूरज नजर आएगा। टोरंटो में हफ्ता पीर को 18 सेंटीग्रेड की पेशनगोई के साथ शुरू होने वाला है और इस मकाम से तेजी से गर्म हो जाएगा। जुमेरात को हफ्ते का गर्म तरीन दिन होने की तवक्को है, जब शहर में दर्जा हरारत 25 सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है, जो मामूल से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ज़ाइद है। माहरीन मौसमियात के मुताबिक 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक गर्मी के रिकॉर्ड टूट सकते हैं। 14 अप्रैल रिकॉर्ड तोड़ने वाले दर्जा हरारत के लिए सबसे ज्यादा इम्कानी दिन मालूम होता है, क्योंकि शहर में 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की पेशगोई की गई है, जो मौजूदा रिकॉर्ड 23.9 सेंटीग्रेड से सिर्फ 1.9 डिग्री कम है। दूसरी जानिब माहरीन मौसमियात कहते हैं कि आने वाले दिनों में कनाडा के तकरीबन हर इलाके के लिए मामूल से ज़ायद गर्म दर्जा हरारत की पेश गोई की गई है, क्योंकि हाई प्रेशर का एक टुकड़ा मुल्क को अबूर करता है। माहरीन मौसमियात के मुताबिक जुनूबी अल्बर्टा और सास्कीचुआन के साथ साथ जुनूबी ऑन्टेरियो समेत बहुत से इलाकों के लिए दर्जा हरारत 20 सेंटीग्रेड तक पहुँचने और मुमकिन तौर पर ज्यादा होने की तवक्को कर सकता है। बैंक ऑफ कैनेडा की जानिब से इस हफ्ते कलीदी शरह सूद को बरकरार रखे जाने का इम्कान है, क्योंकि अफराते ज़र की शरह सुस्त होती जा रही है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बैंक ऑफ कनाडा की जानिब से इस हफ्ते कलीदी शरह सूद को बरकरार रखे जाने का इम्कान है, क्योंकि अफराते ज़र की शरह सुस्त होती जा रही है। इसके बावजूद दीगर आदाद शुमार बताते हैं कि मईशत अब भी गर्म चल रही है। मरकजी बैंक बुध को अपने अगले सूद की शरह के फैसले का ऐलान करने वाला है। ऐलान उसकी सैमाही मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट में तरक्की और अफराते ज़र के लिए ताज़ा तरीन इक्तिसादी तखमीनों के साथ होगा। BMO के चीफ इकोनॉमिस्ट डिगलस पोर्टर ने कहा कि अगरचा मईशत तवक्को से ज्यादा तेजी से तरक्की कर रही है, लेकिन तवक्को से कम अफराते ज़र बैंक ऑफ कनाडा को अपनी कलीदी शरह सूद को 4.5% पर बरकरार रखने पर राजी करेगा। पोर्टर ने कहा, जब हम उन तमाम चीजों को एक साथ जोड़ते हैं तो यकीनी तौर पर ऐसा लगता है कि मरकजी बैंक फिलहाल शरह मुस्तहकम रखेगा। महीनों से बैंक ऑफ कनाडा अपने सूद की शरह के फैसलों के लिए जिस मुआशी आदाद शुमार पर इन्हिसार करता है, मईशत की हालत पर मिले जुले इशारे दे रहा है। इस साल अब तक तरक्की और मुलाजमतों की तादाद तवक्को से ज्यादा मजबूत हो रही है, यहाँ तक कि बैंक ऑफ कनाडा की कलीदी शरह सूद 2007 के बाद अपनी बुलंद तरीन सतह पर है। चीनी फौज ने ताइवान के इर्द गिर्द फौजी मशकें आज भी जारी रखी। चीन ने फर्जी निशानों को तबाह करने समेत पीर तक आबनाए ताइवान में अपनी बहरी मशकों को जारी रखने का ऐलान कर दिया।
مزید احوال اس رپورٹ میں۔ چینی فوج نے تائیوان کے ارد گرد فوجی مشقیں آج بھی جاری رکھیں۔ چین نے فرضی نشانوں کو تباہ کرنے سمیت پیر تک آبنائے تائیوان میں اپنی بحری مشقوں کو جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق چینی فوجی مشقوں میں لڑاکا طیارے اور جنگی جہاز حصہ لے رہے ہیں۔ آبنائے تائیوان میں چینی فوجی مشقوں کا آج تیسرا روز ہے۔ اس معاملے پر تائیوان میں امریکی سفارت خانے نے بھی رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ امریکی سفارت خانے کے بیان میں کہا گیا ہے کہ بیجنگ کی سرگرمیوں کا قریب سے جائزہ لے رہے ہیں۔ تائیوان کے وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ تائیوان کے قریب 59 چینی لڑاکا طیارے دیکھے گئے ہیں۔ 39 چینی طیارے تائیوان کے دفاعی فضائی زونز میں داخل ہوئے۔ امریکی بحریہ کا گائیڈڈ میزائل سے لیس جہاز جنوبی بحیرہ چین میں داخل ہو گیا ہے۔ امریکی بحریہ کے مطابق جہاز فریڈم آف نیویگیشن کے تحت متنازع اسپریٹلی جزائر کے قریب سے گزر رہا ہے۔ یاد رہے کہ بین الاقوامی پانیوں پر مختلف ممالک کے دعووں کے چیلنج کرنے کے لیے امریکہ اکثر ایسے مشن جاری رکھتا ہے۔ چین نے اس معاملے پر مذمت کرتے ہوئے کہا کہ امریکی جنگی جہاز نے بحیرہ جنوبی چین میں غیر قانونی طور پر دخل اندازی کی۔ چین کی جانب سے جنوبی بحیرہ چین میں امریکی جنگی جہاز کی نگرانی جاری ہے۔ واضح رہے کہ تائیوان نے چین کی فوجی مشقوں کو علاقائی استحکام اور سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ یوکرین کے شہر زاپروزیا میں روس نے فضائی حملہ کیا جس میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ یوکرین کے شہر زاپروزیا میں روس نے فضائی حملہ کر دیا جس میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس حملے پر کیف سے یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ روس نے زاپروزیا شہر کی رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا۔ دوسری جانب روس کی وزارت دفاع نے ماسکو سے کہا ہے کہ روسی حملے میں زاپروزیا کے نزدیک ایندھن ذخیرہ کرنے والے گودام کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ روس کی وزارت دفاع کا مزید کہنا تھا کہ روسی حملے میں تباہ ہونے والے گودام میں 70,000 ٹن ایندھن موجود تھا۔ دوسری جانب یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے جمعے کے روز مسلمان یوکرینی فوجیوں کے لیے افطار کا خصوصی اہتمام کیا۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین میں رمضان کے مہینے کا ہر جگہ احترام کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ فرنٹ لائن پر جنگی حالات میں بھی۔ اس موقع پر یوکرینی صدر کا کہنا تھا کہ افطار کا یہ خصوصی اہتمام ملک میں مسلمانوں کے اس مذہبی تہوار کے احترام کی سالانہ روایت بن جائے گا۔ ولادیمیر زیلنسکی نے خصوصی عشائیے کی شرکا سے خطاب کرتے ہوئے مسلم برادری کا شکریہ ادا کیا، جس میں مجلس کے رہنما، کریمیائی تاتاروں کے واحد اعلی ایگزیکٹو اور مسلمان مبلغین کے نمائندے شامل تھے۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی۔